आज हमारे बीच में शोभा बहन जी, जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के संचालक हैं राजगढ़ शाखा के, ये हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी जोरदार तालियों के साथ में गर्मजोशी से इनका स्वागत करें। हमारे अपने कोचिंग संस्थान में समय समय पर इन्होंने, जब जब हमें आवश्यकता पड़ती है एनर्जी की, ऊर्जा की, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, तो ये मोटिवेट करके जाते हैं। उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलता है हमें, क्योंकि कर्म तो हम लगातार कर रहे हैं। उस कर्म में किस प्रकार की तकनीकी की हमें आवश्यकता है, किस प्रकार के मोटिवेशन की हमें आवश्यकता है, वो सारी बातें आपसे बहन जी करेंगे। आप इनकी बातों को सुनेंगे ही नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे और आज से लागू करेंगे। इसका आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा, और पहले भी इसका सकारात्मक परिणाम आया है लगातार। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जो इनके सानिध्य में योग, समय समय पर जब बच्चा डीमोटिवेट होता है तो इनसे बातें करके और पूछता है कि क्या करना चाहिए, वो सारी बातें आपको ये बताएंगे। ज़्यादा समय न लगा करके, इनके आज काफ़ी कार्यक्रम है शिक्षक दिवस पर, तो ये आपके कार्य अभी संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रेम से बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। संपूर्ण ज्ञान सागर, परमपिता परमात्मा, प्यारे शिव बाबा की मधुर स्मृति में आज विशेष ज्ञान की देवी मैया सरस्वती जी के विशेष कृपा आशीर्वाद से आज शिक्षक दिवस पर इस आधार कोचिंग के हमारे डायरेक्टर महोदय भ्राता श्री रमेश जी, भ्राता श्री विनोद जी, आपका समस्त आदर्श स्टाफ एवं इस सभा में उपस्थित सभी मेरी प्यारी छोटी बहनें और भाई, या इस देश के श्रेष्ठ कर्णधार, आज बहुत ही सुंदर दिवस है शिक्षक दिवस। आज के दिवस पर बचपन से लेके आज तक समस्त गुरुजनों को, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता, शुक्रिया अदा करने का दिवस है। वैसे मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, और इस मनुष्य जीवन में भी जो सबसे सुंदर स्वर्णिम काल होता है, ये हमारा विद्यार्थी जीवन होता है। हम लोगों ने, आप लोगों की उम्र पार कर ली है, लेकिन जीवन भर हमें एक विद्यार्थी बने रहना एक सबसे अच्छी बात है। अच्छा वक्ता बनने से पहले अगर हम अच्छा श्रोता बन सकते हैं, ज्ञान को ग्रहण करके उसको धारण कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सतगमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। तो अज्ञान से उजियारी की ओर, असत्य से सत्य की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर का हमारा ये जो अनंत सफर है, ये अविरत चलता आया और अविरत चलता रहेगा। लेकिन फिर भी बीच बीच में अगर अज्ञान के कुछ काले बादल छा जाते हैं, तो उन बादलों को हटाने के लिए एक आदर्श शिक्षक हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है, उन उलझनों से मुक्त करके और एक श्रेष्ठ राह की ओर चलने के लिए। इसलिए कहते हैं,
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। ये तो बहुत बड़े गुरु हुए सृष्टि के। हम छोटे छोटे गुरु, अगर आपसे पूछा जाए कि आप आजकल तो बहुत सारे क्लास चले हैं बचपन के, प्ले का क्लास, नर्सरी क्लास, LKG, UKG, हमारे टाइम में पहली क्लास था, फिर दूसरी क्लास में सीधा प्रमोशन होता था। तो अगर आपको भी पूछा जाए कि पहली क्लास में कौन गुरुजी थे आपके, कौन मैडम थे, याद है? बहुत प्यार से याद करो कि मम्मी पापा अंगुली पकड़ करके और रोते रोते हमको स्कूल ले जाया करते, और वो ज़्यादातर मैडम हुआ करते, गांव में तो गुरुजी हुआ करते, और बहुत प्यार देते, घर की बातों को सब भुला देते और हम एक स्कूल जाने का रास्ता परमानेंट तय करते। इसलिए कहा जाता है कि स्वामी दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु किए। जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा धोखेबाज प्राणी मिला तो आपको बता दे, वो भी हमारा गुरु हो सकता है, जिसने हमारा विश्वासघात किया। दरअसल ऐसा होता है, मैं देखती हूँ अब तक की मेरी लाइफ में, मैं किसी को सुनती हूँ कि 35 या 40 की उम्र में शुगर हो गई। 35-40 की उम्र शुगर की नहीं होती है, लेकिन हो गई। तो मैं बहुत प्यार से पूछती हूँ कि आपको किसी ने जीवन में, किसी क्लोज व्यक्ति ने धोखा दिया, तो बड़े प्यार से गर्दन हिलाते हैं कि हाँ। तो धोखेबाज व्यक्ति से धोखा खाने के बजाय अगर हम शिक्षा लेते हैं, कोई चोर अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की चोरी करके चला गया, उससे धोखा खाने के बजाय अगर हम एक शिक्षा लेते हैं, तो जीवन की अनंत समस्याओं से हम सावधानी से आगे निकल सकते हैं। तो धोखेबाज व्यक्ति से नफरत करके समय वेस्ट करने के बजाय, या किसी चोर से घृणा से भर जाकर अपना मन निगेटिविटी से भरने के बजाय हम आगे चल पड़े। तो जीवन बहुत लंबा है, और इस लंबे समय पर बात चली थी, स्वामी दत्तात्रेय ने जीवन में 24 गुरु किए, और उनके 24वें गुरु थे मधुमक्खी। मधुमक्खी जो क्या करती है, फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं। इस आधार कोचिंग के आप सभी एक बहुत सुंदर चैतन्य फूल हो। फूल केवल गार्डन में ही नहीं खिला करता, आप एक आदर्श परिवार के, बहुत सारे सपनों को अपने मन में संजोए हुए, और आसपास के हजारों लोगों की नज़रें आपके ऊपर टिकी हुई, आप अनंत सपनों को लेकर के इस कोचिंग क्लास में आ रहे हैं, और अनवरत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और बहुत सारे सपने हैं। ज़्यादातर आप लोगों का सपना होगा कि गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना। बहुत सारे बच्चे जयपुर, जोधपुर, सीकर आदि में कोचिंग लेते हैं, और अच्छी मेहनत करके ज़रूर पास होते हैं, लेकिन हमारे आधार कोचिंग के बच्चे भी कम नहीं हैं। यहाँ पर भी कई सौ बच्चों का सिलेक्शन मुझे लगता है ज़रूर हुआ है। हमारे राजगढ़ की एक सक्सेसफुली कोचिंग क्लास है, नाम बहुत सुंदर है इसका, आधार। लेकिन डिपेंड करता है कि हम कितना समय स्टडी करते हैं। बचपन की एक बहुत सुंदर कहावत है कि काक चेष्टा व को ध्यानम पूरा कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे भावी शिक्षक भी बैठे होंगे। काक चेष्टा व को ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कल परसों से दो चार बच्चे हमारे पास आए, राखी का त्यौहार चल रहा है, तो सारे बच्चे मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा, बच्चों आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, हम लोग जब पढ़ते थे तो सूख करके कांटा हो जाते थे, आप लोग मोटे क्यों हो रहे हो, है ना? तो ज़रूर आप लोगों का खान पान अभी चेंज है, हमारे समय का खान पान चेंज था, लेकिन जब तक
अगर हम 8 घंटे पढ़ने की अगर ग्रहण शक्ति हमारे पास चाहिए तो ये शरीर थुल थुल नहीं चलेगा। हम लोग भी आज भी मॉर्निंग 4:15 उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, वैसे इस नेचर का एक समय होता है। नेचुरल तरीके से हमें रात को 10 बजे सो जाना चाहिए। कितने बजे? 10 बजे। कौन है 10 बजे सोने वाला? हाथ उठाइए। सच में एक बालक? 2 10 बजे सो जाते हो? 3? अच्छा 4? सेंसियरली बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद उठने का समय होता है 3:30-4 बजे, लेकिन ऐसे नहीं उठा जाता है। इसके लिए और एक नियम है, हमारा सुबह का भोजन होना चाहिए राजा की तरह। हम सुबह का भोजन कैसा? राजा की तरह। दोपहर का भोजन हमारा कंजूस की तरह। कैसा? कंजूस। और रात का भोजन हमारा होना चाहिए भिखारी की तरह। भिखारी कैसे लेता है? आजकल के भिखारी तो बड़े रॉयल हो गए हैं, है ना? आजकल के एक भिखारी क्या बस स्टैंड पर आया, बारिश हो रही थी, और सबसे क्या किया कि 10-10 रुपए की भीख मांगी और ऑटो पकड़ करके चला गया, और बाकी के सारे खड़े इंतजार करते रह गए कि कब बारिश खुले और हम पैदल अपने घर जाएं। तो ऐसे भिखारी की बात नहीं, बहुत कम भोजन। हम भी रात को 1 रोटी खाते हैं कितने भी भूख लगे, क्योंकि वैसे भी सोने से 2 घंटा पहले भोजन हमको कर लेना चाहिए। अगर 10 बजे सोना है तो 8 बजे भोजन कर लेना चाहिए। रात के 10 बजे के बाद भोजन करना वर्ज है। इसलिए कहते पहला सुख निरोगी काया। अगर आपको पढ़ना है 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे तो शरीर का स्वस्थ होना ये पहला ऑप्शन है। अगर सिर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, थकान हो रही है, हम 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए कुछ 15-20 मिनट प्रतिदिन प्राणायाम एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मैं रेगुलर प्राणायाम एक्सरसाइज करती हूँ, और हालांकि हमारे ज़माने में हम लोग 30 साल तक तो जवान हुआ करते थे, लेकिन अभी बच्चों का बहुत बुरा हाल है। अभी 20 वर्ष की आयु में पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, हार्ट में दर्द है। तो रेगुलर इस शरीर को अगर पास होना है तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो अल्पाहारी ग्रह त्यागी, ये आपका लाइब्रेरी सिस्टम बहुत अच्छा निकला है ना? घर से दूर आप यहाँ पर पढ़ते हो, और अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या श्वानन काकचेष्टा वको ध्यानम, कौवा क्या करता है? निरंतर मेहनत करता है। आप लोगों का सपना है गवर्नमेंट जॉब, है ना? गवर्नमेंट जॉब का मतलब है जिंदगी भर का सौदा है कि हम काम करें या नहीं करें, लेकिन बैठ के सरकार क्या दे हमको? तनख्वाह दे। हमारे रमेश सर और विनोद सर, इनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा कंपटीशन का ज़माना है। तो अगर इतना बड़ा सौदा करने आप जा रहे हो तो उसके लिए एक बार फेल आ गए, 2 बार 3-4 बार फेल आए तो क्या फ़र्क पड़ता है? और मैंने देखा जिन बच्चों ने एक संकल्प ले लिया है दृढ़तापूर्वक कि गवर्नमेंट जॉब हर हालत में हासिल करनी है, और मैंने देखा उम्र के 36 साल तक वो पढ़ते रहे, एक दिन उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, है ना? तो जो संकल्प हमारे पास है वो हमारे अंतर मन से होना चाहिए, नहीं तो हम थोड़ा लॉटरी सिस्टम के ऊपर डिपेंड होते, लग गया तुक्का तो लग गया, कर लेते दे देते पे नहीं, खूब अंतर मन से लगन से। तो काकचेष्टा वको ध्यानम, हमारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। दुनिया ये ब्रह्मांड बड़ा अनंत है, किस किस को देखेंगे? थोड़ा सा इधर उधर देखते ठोकर खा कर के गश खा कर के गिर पड़ने की हमारी संभावना होती है। तो इस विद्यार्थी जीवन में कई बार ऐसा भी होता है, आजकल ये मोबाइल छोटा सा एक इडियट बॉक्स है ना? वो रामायण का जो मारीच राक्षस था वो कम लुभावना था। ये जितने भी जादुई राक्षस होके गए
वो इतना हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं करते थे जितना मोबाइल करता है, और मोबाइल से ज़्यादा क्लोज दोस्त और ज़्यादा ज्ञान देने वाला भी संसार में कोई नहीं है। और इन दोनों का भेद समझ करके, सोच करके, और हमें इसका जीवन में यूज़ करना है। खुला बाजार है, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन एक निगेटिव बात लेते ही 10 गुना हमारा जो ब्रेन है नीचे आ जाता है, और एक पॉजिटिव बात लेते ही 10 गुना ब्रेन जो है हमारा एक हायर एजुकेशन की तरफ, एक उच्च प्रतिभा की तरफ, क्षमता की तरफ लेकर के चला जाता है। इस कलयुग का उसूल है। आप शेयर मार्केट में काम अगर आपने समझा होगा, 1 रुपया लगाएंगे तो कितने गुना रिटर्न होके मिलेगा, लेकिन 1 रुपया अगर डाउन चला गया तो करोड़ों के घाटे में वो व्यक्ति जा सकता है। तो कर्म की गति है, ये संसार कर्म की खेती है, यहाँ पर आप जो बोएंगे वो उगेगा। तो इसलिए मोबाइल को बहुत संभल करके, बहुत सोच करके, अगर कोचिंग क्लास वाले पाबंदी लगाते तो बहुत अच्छा, घर वाले पाबंदी लगाते मोबाइल के लिए तो बहुत अच्छा, एक लिमिटेड समय के लिए मिलता है हमको तो बहुत अच्छा। और फिर हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, इनसे भी हमें संभल करके रहना बहुत ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ कि 2 दोस्त गर्मी के दिन थे और नदी किनारे थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए चले गए, तो एक दोस्त ने देखा दूर एक कंबल बह रहा है, और उसने कहा कि ये कंबल है, मैं इसको लेकर के आता हूँ, एंटरटेनमेंट है, यूँ कोई ज़रूरत नहीं है अब कोई छोड़े हुए कंबल की। तो गया, तैराकी में कुशल था बिल्कुल, पास में चला गया और जाते ही हाथ मारा उसको, पकड़ा कंबल को, तो वो कंबल नहीं था, वो क्या था, भालू था। और उस भालू ने क्या किया, उस प्यारे दोस्त को अपने सिकंजे में कस लिया, और इसने ज़ोर से चिल्लाया किनारे पर जो दोस्त खड़ा था, अरे दोस्त मुझे बचाओ, मैं कहाँ फंस गया, ये तो कंबल नहीं, ये तो भालू हैं। तो कहानी पूरी हुई। कहानी का तात्पर्य यही है कि दोस्ती में कभी कभी हम ना करना जरूर सीखें। हमारे सिद्धांतों के अनुरूप है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हम जरूर ना करें। सामने नाराज हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ना करना भी, उसके लिए भी एक पावर चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे दोस्त भी ज़िंदगी में मिल जाते हैं। मैंने इस राजगढ़ में देखा कि एक होनहार विद्यार्थी और किस प्रकार एक गैंग वार का एक मेंबर बन करके और मृत्यु के मुंह में धकेला गया। कितने लोग हैं, हम लोग यहाँ पर जेल में भी चले जाते हैं, बहुत सारे जिनको आप लोग अपनी भाषा में गुंडे उंडे बोलते हैं, वो सेंटर पर भी आते हैं, क्योंकि सेंटर तो भगवान का घर है, वहाँ पर परमात्मा का तो आशीर्वाद मिलता है, बहुत दया आती है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के कार्य में भी ब्रेन की ज़रूरत, इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी लीक से हटकर अगर कोई बातें होती तो हम जरूर ना करना सीखें। तो मोबाइल से बचे रहे, दोस्तों से बचे रहे, तो का कचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा। कुत्ता जब सोता देखा है आपने कभी, आजकल कुत्ते घरों में पालने का बहुत सारा चलन है, एक कान खड़ा करके और दूसरा कान नीचे करके सोता है, अगर उसके पास में से भी गुजरो तो तुरंत आँख खोल के देखता कौन जा रहा है। तो हमारी नींद भी ऐसे होनी चाहिए, है ना। हमारे टाइम में हम जब पढ़ते थे तो 10 मिनट झपकी लेते थे, ज़्यादा नहीं, है ना। तो सुबह अगर आप लोग 4:15 बजे 3:30 बजे उठ करके स्टडी करते हैं, आप कहेंगे हमारी आदत नहीं है, हम तो 12 बजे सोते हैं, लेकिन थोड़ा समय आदत के लिए ज़रूर थोड़ी परेशानी महसूस होगी। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोला जाता है कि रात को 2 बजे से लेके ये जो वनस्पति हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ना शुरू करती हैं। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की।
अगर फ्रेश प्राणवायु मिल जाए तो हमारा दिलो दिमाग तरोताजा हो जाता है। इसलिए कहते थे साधु संत ऋषि मुनि गुफाओं में कंदराओं में ब्रह्म मुहूर्त पे उठ करके तपस्या करते हैं। और तपस्या कैसी करते हैं कि आजकल ये जो चंद्रयान भेज रहे हैं इसरो के साइंटिस्ट, या मोबाइल से आपकी हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के साथ बातें हो रही हैं, ये तो एक भौतिक बात है, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति इतनी विकसित हो जाती थी कि हजारों किलोमीटर बैठे व्यक्ति के मन में क्या बातें चल रही हैं। तो इसका बहुत बड़ा खजाना हमारे ऋषि मुनि हैं जो साइंटिस्ट होकर के गए। जैसे मान लो कि कनाद ऋषि है जिन्होंने अनुरेणु की निर्मिति की रिसर्च किया, या कोई पाणिनि है जिन्होंने व्याकरण को ढूंढ निकाला, या हमारे चिकित्सा शास्त्र है, बहुत सारे शास्त्र हैं। तो उसका कारण है कि श्वान निद्रा है ना, कम नींद। वैसे सबसे ज़्यादा नींद तो विद्यार्थी जीवन में आती है, और नींद भी कब आती है, सवेरे 4 बजे। हम रात भर पढ़ेंगे लेकिन 4 बजे ठंडी ठंडी हवा शुरू हो जाती है और इतनी बढ़िया नींद आती है 8 बजे तक। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको बता दें, जीवन का स्वर्णिम काल खत्म होता है। जीवन में सूर्योदय की लालिमा को देखना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हमारे भारत देश में सूर्य को अर्घ्य जल देने की परंपरा है। जल का मतलब ऐसा नहीं कि दोपहर के 12 बजे एक लोटे में पानी लिया और ऊंचा आकर के सूरज को अर्पण किया, ऐसा नहीं होता है। उसका साइंटिफिक कारण ये है कि सूर्योदय के साथ साथ जो लोटे से ऐसी धार लगाई जाती है और उस धार में से इन आँखों से हम सूरज के किरणों को देखें, जिस प्रकार कोई लाइट प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इसी प्रकार हमारी आँखों को जो जीवन सत्व चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो सूरज की वो कोमल किरणों में होती है और हमारी दृष्टि मजबूत बन जाती है। तो इन बातों को हमारे भारतीय या सनातन परंपरा में सबने क्या किया कि धर्म से जोड़ दिया। विज्ञान को कम मानते इसे धर्म से जोड़ दिया। तो सुबह अगर हम सूर्योदय के साथ पढ़ते हैं, सूर्योदय को देखते हैं, 7 बजे से पहले स्नान करते हैं, तो शारीरिक बीमारियां, स्किन की बीमारियों से मुक्त रहने के लिए हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इसलिए श्वान निद्रा तथा वच अल्पाहारी ग्रह त्यागे, हमारा भोजन बहुत कम होना चाहिए, है ना। तो मोटापा आने का एक कारण ये भी है, और इसके साथ ही फास्ट फूड का तो हम बिल्कुल कंप्लीट त्याग करें। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप राजगढ़ में या राजगढ़ के आसपास में ग्रामीण अंचल में रहते हैं और आपको माँ के हाथ की रोटी मिलती है। ये रोटी इसके बाद जब कई जॉब लग जाएंगे, कोई कंपनियों में चले जाएंगे, तब कभी नसीब नहीं होंगी। इसलिए इस माँ के हाथ की रोटी का भरपूर आस्वाद लेना, और इन 5 नियमों को अगर हम फॉलो करेंगे और जीवन में आने वाली छोटी छोटी बुराइयों से बचे रहेंगे तो ये जीवन बहुत सरल है। आपको बता दें, कभी कभी हमने ऐसा भी देखा बच्चों को कि बहुत बार हार हुई है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन हमारा तो यही मानना है कि हम जब भी कभी प्रयास करते हैं और उन प्रयासों में हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जीवन में कभी न कभी एक दिन आता है परमात्मा क्या कहे कि छप्पर फाड़ करके हमको किसी न किसी रूप से देता है। अचानक एक अप्रत्याशित रूप से एक लॉटरी मिल जाती है। इसलिए हम जो भी मेहनत करते हैं उस मेहनत के ऊपर विश्वास जरूर करना। इस संसार में सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो लोग शॉर्टकट से आगे जाना चाहते हैं, है ना, चाहे कोई बिजनेस है, कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, ये किसी भी प्रकार की बातें हैं, लेकिन उतने ही शॉर्टकट से वो वापस बैकफिट पे जरूर चलते हैं, और किसी भी रूप से।
मैंने आंखों से देखती हूँ, अगर कोई क्या बोलते देशी भाषा में दो नंबर का धंधा करके पैसा कमाता है तो दिखने में उनके पास बहुत बड़ी कोठी है, बहुत पैसा है, शहर में बड़ा मान सम्मान है, लेकिन उनके परिवार में इतनी अघटित घटनाएं होती हैं कि जिसका दर्द, जिसकी वेदनाएं वो सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कछुआ चाल से अगर धीरे धीरे चलते रहे लेकिन मेहनत करना हम नहीं छोड़ें, और मेहनत जितना मेहनत करने में सुख है उतना शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि हमारे ये सर रमेश जी सर और विनोद जी सर कभी बीमार हो गए, कोरोना हो गया या कुछ हो गया, कभी नहीं, मस्त रहते हैं, खूब पढ़ाते हैं। ये और इनके पास जो स्टाफ है अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देने के लिए आपको आतुर हैं, और इस स्वर्णिम काल का आपको बहुत फायदा उठाना है। हम विद्यार्थी जीवन में कभी कभी एक दूसरों को देख करके अपने टीचर्स को थोड़ा कमेंट करते हैं, है ना। मैंने देखा है, हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं, कई बार तो इतने भद्दे कमेंट होते हैं कि कानों से सुने नहीं जाते। लेकिन आज शिक्षक दिवस है, हमें किसी का भी अपमान करने की कोई परमिशन नहीं है। अगर हम किसी एक व्यक्ति का अपमान करने की भावना से, बदला लेने की भावना से अगर कुछ बोलते हैं तो हम तैयार रहें अगले 10 बारी को अपमान झेलने के लिए, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि क्या है, कर्म की खेती है। यहाँ अगर हम बबूल का बीज बोते हैं तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमें आम मिलेंगे, ये जो पेड़ है आम से लदा हुआ होगा, कदापि नहीं, आज नहीं तो कल कर्म का फल जरूर भुगतान करना पड़ता है। इसलिए वही कर्म करें, कदम कदम पे पहले सोचें इस कर्म का फल हमको क्या मिलेगा। तो ये जीवन बहुत सुंदर है, इस सुंदर जीवन में हमारी बहुत दुआएं हैं। आप जो भी सपने लेकर के आए हैं, आश लेकर के आए हैं, और माता पिता की आश आपको पूरी करनी है, परिवार समाज बहुत सारे लोगों की नज़रें आपके ऊपर टिकी हुई हैं। हीरो हीरोइन केवल अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी या कोई शाहरुख खान यही नहीं होते हैं, असली इस संसार के हीरो तो आप लोग हैं। और मुझे लगता है कम से कम 10,000 लोग आप एक एक बच्चे को जरूर जानते होंगे। तो अगर हम सिंसियरिटी से जीवन में आगे बढ़ते रहे तो आपकी सफलता को कभी भी कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। इसलिए आज के दिवस पर हम बड़ी कृतज्ञता, बड़ा शुक्रिया अदा करें। और आपको बता दें कि सुबह से लेकर रात्रि तक हम जरूर सभी का शुक्रिया अदा करते रहते हैं। कभी कभी हम ये बोर्ड भी पढ़ते हैं, ये सर ने हमारा नाम लिख रखा है ब्रह्मा कुमारी आश्रम के सामने, तो हम इनका भी दिल ही दिल में शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा का नाम रोशन करने का ये बोर्ड भी काम करता है। तो इस प्रकार से सुबह से लेकर रात्रि तक आपको जो भी बात जिसकी भी अच्छी लगे, चाहे पंच महाभूत हैं पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जल, इसका भी शुक्रिया हमें जहाँ कहीं से हमको सुख मिलता है हमें जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दुआओं की गठरी जब भरपूर बन जाएगी तब आपकी सफलता चरणों में आएगी। तो 2 मिनट का मेडिटेशन करें, क्योंकि इस संसार में शांति के अलावा कुछ नहीं है। अगर मन शांत है तो संसार की सारी ज्ञान की बातें आपके दिमाग में हैं। सावधान स्थिति में बैठ जाएं और हम अपने नेत्रों को सामने एक स्थान पर टिका दें और अनुभव करें मैं भ्रकुटी के मध्य जहाँ तिलक अर्चन किया जाता है विराजमान एक बहुत सुंदर जागती ज्योति हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। पंचमहाभूतों का ये देह प्यारे प्रभु ने अमानत के तौर पर मुझे दिया।
अनंत गुणों को शक्तियों को भरकर इस धरती पर भेजा। दो फरिश्तों के पास जिनका नाम माता पिता है, उन्होंने अपने खून से, अपने संस्कारों से, अपने समस्त शक्तियों से मुझे सींच रहे हैं। प्यारे प्रभु, आपका अनंत शुक्रिया। उन्होंने मेरे कंधे पर स्कूल बैग टांगी और सुंदर भविष्य निर्माण के लिए शहर की इस सर्वश्रेष्ठ क्लास में भेजा। और इस क्लास में सुबह से लेकर रात्रि तक अनंत जीवन उपयोगी बातें मैं ग्रहण कर रही हूँ। मेरे समस्त टीचर्स का शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। प्यारे प्रभु, आपके अनंत ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में भरकर अज्ञान का विनाश कर रही हैं। मेरा दिव्य विवेक प्रज्वलित हो रहा है। जीवन में क्या करना है और किन बुरी बातों से मुझे दूर होना है, वो विवेक आप मुझे दे रहे हो। आपका दुआओं भरा हाथ सदैव मेरे सिर पर और आपका शक्तियों भरा शक्तिशाली एक हाथ सदैव मेरे हाथ पर है। प्यारे प्रभु, आपकी आशाओं पर मैं खरा उतरूं, ऐसी शक्ति आप मुझे प्रदान कर रहे हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और अंत में हमारे सम्माननीय भ्राता श्री सर रमेश जी, सर विनोद जी ने यहाँ बुलाया और आप सभी का प्यारा प्यारा दर्शन हुआ और कुछ बातें शेयर करने के लिए मिली, इसलिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने आके अपना कीमती समय आप लोगों के बीच व्यतीत किया और आपको जीवन आदर्श और मूल्य से जुड़ी हुई बातें अवगत करवाई। अगर आप इनकी बातों को अपने जहन में उतारेंगे तो मेरा ये मानना है कि अगली बार आप किसी न किसी सरकारी जॉब में होंगे और अगले शिक्षक दिवस पर जब अपन सारे इकट्ठे होंगे पुणे दोबारा, तो इन्हीं के माध्यम से आपको सम्मानित करवाएंगे। उम्मीद है कि आप इनकी बातों को दिल जहान और में उतारोगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। इस कार्यक्रम में आप ये ठान लें कि आपको कुछ न कुछ बन के जाना है। ऐसे बहुत सी बार मैंने भी बहुत सी बातें सुनी हैं कि अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, पर जीवन आदर्श और मूल्य से जुड़ी बातें बहुत कम मिलती हैं सुनने को। हम इनसे काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, टाइम का थोड़ा अभाव होता है, कोचिंग टाइम में जैसे बिजी रहते हैं, शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, पर इनकी बातें हमारे जहन में हमेशा रहती है कि जीवन आदर्श और मूल्य को जब तक साथ लेके नहीं चलोगे तो जीवन में आगे कुछ नहीं बढ़ोगे। तो मेरा ये मानना है कि आप इनके द्वारा चलाए गए रास्ते बताए गए रास्तों पर चलेंगे तो अगली बार निश्चित रूप से अगले शिक्षक दिवस पर आप सभी किसी न किसी जॉब पर होंगे और इन्हीं के हाथों आपको सम्मानित करवाएंगे। थैंक यू।